हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नारियल के लड्डू कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं, नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ये लिया है मैंने 500 ग्राम के लगभग नारियल का बुरादा, ग्रेटेड कोकोनट। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने नारियल का बुरादा लिया है 500 ग्राम के लगभग, और 150 ग्राम के लगभग लिया है ये मैंने मावा, तो वो लिया है मैंने 150 ग्राम के लगभग, और ये भी मैंने 150 ग्राम के लगभग लिया है चीनी। 60 ml के लगभग लिया है मैंने घी। तो हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई, आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने ये बड़ी वाली बड़ी साइज की नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। तो गैस का फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। तो अब इसमें 30 ml के लगभग, मतलब आधा जो हम लोगों ने घी लिया आधा हम लोग डाल देंगे अभी, और थोड़ा घी हम लोग बचा लेंगे बाद में डालने के लिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है। तो जो हम लोगों ने घी डाला है उसको थोड़ा सा गरम कर लेना है। तो अब घी भी गरम हो चुका है, तो अब इसमें हम लोग मावा डाल देंगे, और मावे को इस तरीके से हम लोगों को डाल देना है ताकि जब हम लोग इसको चलाएं, इसको पकाएं, तब हम लोगों को टाइम नहीं लगे। तो अब इसको पका लेना है मावे को हम लोगों को। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बन जाती है मिठाई, तो एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप इसको किसी भी फेस्टिवल किसी भी ओकेशन पे बनाकर खा सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको जब भी मीठा खाने का मन करे तो इस मिठाई को आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी ये। तो अब इसको हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए मावे को पका लेंगे कि इसे पक भी जाए। इसको मैंने अभी फ्रिज में रखा था इसीलिए थोड़ा सा आप देखो, अच्छी तरीके से हम लोग अब पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद अच्छी तरीके से हो चुका है मेल्ट, और अच्छी तरीके से देख सकते हैं मैश हो चुका है ये। तो मैं आपको एक बार पास से भी दिखा देती हूँ, इसको बिल्कुल दानेदार कंसिस्टेंसी में हो चुका है मावा। तो अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे चीनी जो हम लोगों ने ली थी। तो आप देख सकते हैं जो मैंने चीनी ली थी वो डाल देंगे। तो चीनी भी इस टाइम मैंने डाल दी है इसमें, और चीनी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको भी हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो चीनी वो मेल्ट हो सके अच्छी तरीके से। अब इसको पका लेना है हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग 500 ग्राम के लगभग जो हम लोगों ने लिया था कोकोनट पाउडर वो डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसको 6 से 7 मिनट पकाने के बाद मावे और चीनी को उसके बाद ही डालना है हम लोगों को नारियल का बुरादा। तो इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है लड्डू, तो एक बार आप बनाकर तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे के लिए और पका लेंगे। और अब इसमें जो हम लोगों ने बचा हुआ घी था वो भी डाल देना है सबसे पहले। तो अब घी भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे शाइनिंग भी आती रहेगी आप देख सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने एक बार बना लिए नारियल के लड्डू तो आप हर फेस्टिवल पे लड्डू बनाना पसंद करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाते हैं, और ये खाने में तो इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं ना कि आप एक की जगह दो दो खाएंगे इसको। प्लेट इसको पकते हुए हो चुकी है, तो हम लोग अब इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके के प्लेट में ट्रांसफर कर दिया, और प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा कर भी लिया है। तो अब इसके अंदर हम लोग किशमिश डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आधा बाउल के लगभग किशमिश ली है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है किशमिश अगर आप डालेंगे तो है ना। तो अब इसमें आधी चम्मच के लगभग हम लोग इलायची पाउडर भी डाल देंगे। तो अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और
और थोड़ा सा इस तरीके से मैंने थोड़ा सा गीला पेस्ट रखा है, आपको बिल्कुल भी सूखा नहीं करना है ज़्यादा भी, नहीं तो ये इसके लड्डू नहीं बनने में आएंगे। तो अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और किशमिश से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। और आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके डाल सकते हैं, उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। बट इस टाइम मेरे को किशमिश इसमें डालनी थी क्योंकि किशमिश ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम। तो अभी अच्छी तरीके से तो मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा गर्म भी है, तो अब इसके लड्डू हम लोग बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने इजीली ये लड्डू बन जा रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें टाइम भी और बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल आपके परफेक्ट लड्डू बनेंगे। आप देख सकते हैं लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से एक बार आप लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दानेदार बनते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो मावा हम लोगों ने डाला है उसको मैंने इसीलिए पहले सेका था ताकि ये थोड़े से दानेदार बने। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।